क्या बोले ऊपर वाला चुन नहीं, ऊपर वाला मालिक बोले ऊपर वाला चुनने के ऊपर वाले का रेट ज्यादा मिलता है, देखिए। कुछ तो बोलिए। नमस्कार दोस्तों, गार्डन से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। टी गार्डन में घूम रहे हैं, सोचा मजदूरों से बात करके दिखाएं। मजदूरों से बात करके दिखाने का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि टी गार्डन जो होता है दो तरीके से इसकी कटिंग होती है। एक तो मशीनों के द्वारा कटिंग की जाती है और दूसरा मैनुअली इनको चुना जाता है। एक एक सिंगल पत्तियों को चुन के पीछे रखा जाता है। चुनने का तरीकों को फिल्मों में बहुत आजमाया गया है। फिल्मों में इसके ऊपर गाने भी कई बनाए गए हैं, गाने भी आपने देखा होगा। और अक्सर जब हम ऐसे चाय गार्डन में जाते हैं एज ए टूरिस्ट, आप लोग हनीमून भी, इनकी शादी हो गई, कई लोग प्लान किए होंगे कि टी गार्डन में जाके हनीमून मनाएं, वहां पर फोटो तो खिंचवाएं। तो आपने ये जो मजदूर हैं, दिखाएगा पीछे देखिए झोले, या तो झोले हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में एक बकेट टाइप होता है और चुन के डालने का, उस तरीके से फोटो सेशन भी आप लोगों ने कराया होगा। लेकिन हकीकत क्या होती है, क्यों मजदूरों से चुनवाया जाता है, क्यों मशीनों से नहीं करवाया जाता है, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, टी का जो चाय की पत्ती जो बनती है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है इनका। एक बार इधर दिखाइएगा, ये पौधे दिखाइएगा, चाय की पत्तियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ये चाय की पत्ती है ना, और चाय की पत्ती में ये डंठल जो आती है, ये डंठल देख रहे हैं ना, ये डंठल, इन डंठल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये डंठल्स आपकी चाय की क्वालिटी को खराब करती है और पत्ती जितनी हो वो अच्छी होती है। तो अगर हम मशीनों से, बहुत से जगह मशीनों से भी कट करवाते हैं फैक्ट्री वाले, लेकिन उनकी चाय इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए कोई मशीनों से कट नहीं करवाता। आज 100 साल से ज्यादा हो गए इंडिया में, तब से लेकर के हाथ से चुनने का ही काम चला रहा, मशीनों में काम किया गया। लेकिन मशीनें क्या होती है कि ऊपर से कट करेंगे, तो कट करेंगे तो ये डंठल, ये डंठल, ये डंठल, ये सारे साथ में आएंगे, और ये जितने ज्यादा डंठल उतने ज्यादा आपके चाय में फाइबर होगा, और फाइबर होने का मतलब चाय की क्वालिटी डाउन होगी। तो सीधी सीधी चुनी जाती है। चुनने का मतलब क्या होता है कि हमने कौन सी पत्ती यूज करनी है, कैसी चाय बनानी है। ये पत्ती चुन लिया, रेट ज्यादा मिलेगा। ये पत्ती चुना, रेट ज्यादा मिलेगा। ये चुना, रेट कम मिलेगा। इसीलिए चुनने का काम किया जाता है, ताकि हम सिंगल सिंगल पत्तियों को चुन के, इन पत्तियों को चुना, रेट ज्यादा लिया, इनका चुना थोड़ा सा कम रेट लिया। लेकिन हमने जब ये पूरा चुन लिया ना, तो रेट डाउन हो जाता है। इसलिए टी गार्डनर्स जो होते हैं वो हाथ से पत्तियों को चुनवाते हैं। यहाँ पर बहुत सी महिलाएं हैं, मैक्सिमम महिलाएं ही काम करती हैं टी गार्डन में। महिलाएं काम क्यों करती हैं, उसका भी रीजन है, हमारे यूपी के क्षेत्रों में महिलाएं ही ज्यादा पैकेजिंग और इन सब चीजों में काम करती हैं, क्योंकि महिला लेबर बहुत कम रेंज में आ जाती है, उनको ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है और मेहनती भी ज्यादा होती हैं, तो इसलिए महिलाओं का इस्तेमाल ज्यादा होता है टी गार्डन्स में भी। सिंपल सा रीजन यही है। बाकी ये पेड़ के होते हैं, एक वीडियो में, पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। डेफिनेटली मशीन है, बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज कुछ ही परसेंट है, बाकी मैनुअली ही चूज किया जाता है। हो गया दीदी, कुछ बात करेंगे। ये लोग हिंदी आती पता नहीं, बंगाली मुझे नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, थोड़ा सा बोलेंगे दीदी बात कर बो, अमी बात करे आए हैं, जो भी है थोड़ा सा बात करेंगे। दीदी हिंदी आती है आप लोग को, हिंदी आता है, वही पूछ रहा था। हम लोग टी गार्डन देख रहे थे, हम लोग चाय के कारोबारी हैं, सिलीगुड़ी में काम करते हैं, वहीं ट्रेडिंग करते हैं। ये आप लोगों को कितना मिलता है यहाँ पर? हम लोग का तो मुझको ही पता नहीं है, मैं तो पूरा काम ही नहीं करती हूँ। अच्छा, आप नहीं काम की है? तो ये कौन सा अलग अलग पत्ती चुनना पड़ता है कि सब इकट्ठे कोई भी चुन के ले जाओ, कि बताया जाता है कि ये पत्ती चुनना है ऊपर वाली? नहीं, ऊपर वाला छोटा छोटा, ऊपर वाला छोटा छोटा, उसके बाद फिर ऊपर वाला चुनने के बाद हमेशा ऊपर वाले का ज्यादा रेट मिलता है, तो ये तो वही बताएंगे। दादी ऊपर वाला चुन रही कुछ तो बोलिए, क्या बोले ऊपर वाला चुन रही, ऊपर वाला मालिक बोले ऊपर वाला चुनने के ऊपर वाले का रेट ज्यादा मिलता है। देखिए यहाँ पर दिखाइए, ये जो ऊपर वाला चुन लिया, यहाँ से नया ऊपर वाला निकला तो ऊपर वाले का रेट ज्यादा मिलता है ना। ये देखिए ऊपर वाला चुन लिया, ऊपर खाली, फिर नया ऊपर लीफ जनेगा तो ऊपर वाले का रेट ज्यादा मिलता है। ये लोग को नहीं पता होगा, ये लोग का काम है चुनने का, चुनती है, अच्छा कमाई हो जाता है इससे, बाल बच्चा खा लेता है। हम लोग का ही तो खेती है, तब सब लोग करते घर में कि अकेले आप? अकेला ही रहेगा, परिवार है, पूरा परिवार। घर में ये चाय चुनने काम कौन करता? खाली आप करती हैं। और पति क्या बोलते हैं बंगाल में पता नहीं, सही है। देखिए
चाय चुन रही हैं। ऐसे ही होता है, ये पूरा व्यवसाय टिका हुआ है इन लोगों पे। बाकी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी हैं, ट्रेडर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ब्रोकर्स हैं, बायर्स बहुत बड़े बड़े हैं, करोड़ों का टर्नओवर होता है एक दिन का। लेकिन बेसिक शुरुआत यहीं से होती है। ये पूरा धंधा हैंडमेड है, हाथ से होता है, मशीनों से होता है, लेकिन मशीनों से बताया क्यों नहीं होता है, क्योंकि वही है, एडेंथल आ जाएगी, लीफ कट जाएगी। अब ये ऊपर की चुन ली, ऊपर का रेट ज्यादा मिलेगा, नया ऊपर की पत्ती फनगेगी, फिर ऊपर का चुनेंगे, फिर उसका रेट बढ़िया मिलेगा। तो यही कंसेप्ट है चाय को चुनने का, इसलिए हाथों से चाय की पत्ती को चुना जाता है। अरे एक पत्ती देखे कौन सी तोड़ रही है, एक एक ये तोड़ रही। हाँ हाँ हाँ, एक बार फिर से दिखाइए, थोड़ा कैमरे में आ जाए। ये पत्ती तोड़ रही है ना, ये देखिए ऊपर की पत्तियां सब फ्लावरी है ना, ऑरेंज पिकोई पिकोई, ये बात होता है। ऊपर की तीन पत्तियां तोड़ना होता है क्या, अढ़ाई पत्ता तोड़ना होता है। अढ़ाई मतलब एक, अढ़ाई मतलब समझ गया, एक दो आधा, ऊपर का अढ़ाई पत्ता तोड़ना होता है ना, ऊपर का अढ़ाई पत्ता मतलब एक पत्ता दो पत्ता अढ़ाई पत्ता, ये ऊपर का अढ़ाई पत्ता तोड़ना होता है जैसा बोल रही है, एक पत्ता दो पत्ता आधा अढ़ाई पत्ता, एक अढ़ाई पत्ता का रेट ही होता है। फिर अढ़ाई पत्ता तोड़ दिया, फिर नया अढ़ाई पत्ता जमा, फिर अढ़ाई पत्ते का रेट मिल जाता है, तो ऊपर की पत्तियों का रेट ज्यादा होता है। नीचे के उलोंग टी भी बहुत लोग पूछते हैं, उलोंग टी नीचे दिखाइए, जो नीचे की लीफ है ये बड़ी बड़ी, ये वाली नीचे वाली है ना, उलोंग टी इनका बनाते हैं। बहुत से लोग उलोंग टी की बात करते हैं, उलोंग टी इनका बनाते हैं, नीचे की पत्तियां हैं, इसकी भी डिमांड होती है। तो ये है, हमने गार्डन से कुछ दिखाने की कोशिश की आपको, ताकि समझ में आए बेसिक, कि जो हम धंधा करने जा रहे हैं वो धंधा मैनमेड है, महिलाओं के दम पे चल रहा है। ये जो महिलाएं हैं दिहाड़ी की, जो मजदूरी करती हैं, उन महिलाओं के पे धंधा चल रहा है। बाकी यही है, कहने का मकसद यही है कि लोग बहुत ज्यादा सस्ते में खरीदना चाहते हैं, लेकिन भाई सस्ते में खरीदेंगे तो फैक्ट्री को नुकसान, फैक्ट्री को नुकसान, तो जो काश्तकार हमारी तरफ, काश्तकार बोलते हैं यहाँ जो गार्डनर होते हैं, उनको नुकसान, वो कम तो इनको कम पैसा, यही सब होता है, हकीकत है। ये भी देखिए चमक धक के पीछे एक बार फिर से दिखा दीजिए, कितनी महिलाएं काम कर रही हैं रोजी रोटी के लिए। यही है ये गार्डन, ये टी इंडस्ट्री भारत की, इन्हीं के दम पे चल रही है, और यहाँ पर इनका कोई मशीनी ऑप्शन ना है और ना आने वाले समय में नजर आ रहा है, क्योंकि कोई ये ढाई पत्तियां मशीन नहीं चुन सकती है। ये ढाई पत्तियां चुनना सिर्फ मैन मेड के पे है, और सस्ती मैन पावर यही है, जो हमारी महिलाएं हैं वही सस्ती मैन पावर है। ये ढाई पत्तियां कोई मशीन चुन नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हैंडमेड है, और हैंडमेड यही महिलाएं हैं जो सस्ते दाम में मजदूरी करती हैं, ढाई पत्ते चुनती हैं। खैर बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, डेविल इंडस्ट्रीज के लिए, डेविल इंडस्ट्रीज को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। और आपको कहीं भी चाय की रिक्वायरमेंट हो, चाहे डार्जिलिंग टी, चाहे उलोंग टी, चाहे व्हाइट टी, चाहे ग्रीन टी, चाहे बीपी हो या किसी ग्रेड की हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, एनी काइंड ऑफ टी, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दार्जिलिंग में हमारी ब्रांच है। धन्यवाद।